Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Firstly, Jasmine, welcome to IWM Buzz and congratulations for the big boss. So, कितने excited आप हो ये show के लिए? Because new reality show, लोगों के खिलाड़ी के बाद. बहुत excited हूँ क्योंकि मुझे देखने में बड़ा मजा आता था show, तो अब इस बार हिस्सा बनेगा भी मौका मिल रहा है और obviously सलमान fan होने के वजह से excitement और ज़्यादा है that I'll get to interact with him. तो जैसे कि हमने आपका नाम सबसे स्टार्टिंग में सुना था कि आप ये शो की पार्ट बन सकते हैं, तो आपको जब ऑफर्स आया था तो आपका रिएक्शन क्या था? आप पहले मान गए थे ये शो के लिए? मुझे पहले भी एक दो बार ऑफर आया, तब हमेशा मैं कोई ना कोई शो कर रही होती थी तो मैं सीरियसली नो कंसिडर नहीं कर पाती थी. इस बार मेरा कोई प्रायः कमिटमेंट नहीं था तो मैंने सोचा कर लेते हैं, मजा आएगा. ऑलरेडी हम लोग लॉकडाउन के सिचुएशन में थे, 4 महीना लॉकडाउन में थे, फिर से वैसे ही माहौल में जाना, आपको लगता है कि आप प्रिपेयर हो चुकी है बिग बॉस के लिए? लॉकडाउन ने मुझे प्रिपेयर कर दिया है बिग बॉस के लिए. ओके, सो जैस्मिन, मैं ये जानना चाहूंगी आपने कुछ प्रिपरेशन, स्पेशल प्रिपरेशन किया है शो के लिए, लाइक फॉर फिजिकल टास्क और समथिंग? नहीं, ऐसा तो कोई प्रिपरेशन नहीं किया क्योंकि वो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल शो है, अनप्रेडिक्टेबल लोग आते हैं कि कोई प्रिपरेशन आपके कोई काम नहीं आती, बस एक ही चीज है अंदर जाके जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. तो आपको, आपने किसी से मतलब हेल्प ली या किसी से बात करने की कोशिश की एक्स कंटेस्टेंट से? मैं चाहती थी बट पॉसिबल नहीं था बिकॉज फॉर्मेट ऑफ द शो ऐसा है कि आप एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में होते हैं, आप इस शो के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते. ओके, सो आपको अगर टास्क की बात किया जाए या ड्यूटीज की बात किया जाए तो आप कौन सा ड्यूटी करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आई थिंक मैं वो ड्यूटी करूंगी जिसमें औरों को ड्यूटीज दी जाती हैं कैप्टन और सुपरवाइज किया जाता है कि वो सही का, क्योंकि मैं तो बहुत, मुझे, मैं घर के कामों में बहुत लेजी हूँ. ओके, अगर आपको किचन और या बाथरूम क्लीनिंग का काम दिया तो आप करेंगे? अब काम मिला तो करना ही पड़ेगा बट मैंने कभी घर के काम किए नहीं है ऑनेस्टली, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है. ओके, सो कुकिंग आपने सब कुछ सीखा है? बेसिक कुकिंग आती है बट यू नो वहाँ पे बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, तो इतने सारे लोगों का खाना कभी मैंने बनाया नहीं और मुझे नहीं लगता इतने सारे लोगों का खाना मुझे बनाना आता है. ओके, जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि शो में कभी चाय को लेकर झगड़ा होता है या खाना को लेकर झगड़ा होता रहता है आए दिन, तो आपको लगता है आपका भी किसी के साथ अगर झगड़ा हो सकता है खाने को लेकर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. खाना तो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है और खाना नहीं मिलता है तो मैं तो बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ, तो टोटली हो सकता है. जैस्मिन, ये भी क्या कहा जाता है कि जो किचन में सबसे ज्यादा रहता है वो फिनाले में पहुंच पाता है, मतलब फिनाले में दिख सकता है, तो आपको लगता है ये मंत्र आप अपनाना चाहेंगे या फॉलो करेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मंत्रा है, वो कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा बट आई डोंट थिंक सो. लास्ट ईयर आप शो में आई थी एज अ गेस्ट और अब शो में जाना है एज अ कंटेस्टेंट, कितना आपको अलग फील हो रहा है या कुछ ऐसे मन में चल रहा है? थोड़ी ऑनेस्टली इस साल बहुत एक्साइटमेंट है वहां जाके रहना इतने सारे दिन के लिए, तो एक्साइटमेंट है बट ऐसी कोई नर्वसनेस या ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है. और हमने ये भी देखा जैस्मिन, आपके लुक्स काफी पसंद करते हैं सभी, क्या हमें आपके नए लुक्स या नो फैशन फ्यूजन्स देखने को मिल सकते हैं शो में? आई एम टेकिंग ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स, आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से ड्रेसअप हूँ, अच्छी अच्छी दिखूँ क्योंकि क्वारंटीन में घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं किया, सारा क्वारंटीन का जो भी फ्रस्ट्रेशन है निकाल लूंगी लॉकडाउन की. आई विल ट्राई एंड ड्रेसअप एवरी डे. तो ये सीजन में शॉपिंग मॉल, स्पा और सिनेमा हॉल भी है, तो कितना एक्साइटेड आपको लग रहा है क्योंकि आप लोगों का सीजन फर्स्ट टाइम में है कि जो ये सब एक्सपीरियंस करेगा, तो आप कितना लकी ये है? सब है, इस बात की एक्साइटमेंट है बट ऑल्सो आई नो बिग बॉस के घर में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, तो इसको पाने के लिए कुछ तो ट्विस्ट होगा. यस, डेफिनेटली. ओके, सो फाइनली एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? यही दैट जैसे आज तक सपोर्ट किया है, प्यार किया है, वैसे ही करते रहना,
प्लीज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की, प्यार की, एंड यू ऑल टू अंडरस्टैंड मी. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्ट्रांग रहूँ मेंटली, बहुत ब्रेवली जाऊँ, बट सबको पता है मैं बहुत इमोशनल हूँ और कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे बहुत नर्वस हो जाऊंगी चाहे मैं कितना ही स्ट्रांग एक्ट करूँ. सो आपका प्यार ही मुझे स्ट्रांग बनाएगा, तो इसलिए मुझे प्यार करते रहना. थैंक यू सो मच जैस्मिन, एंड ऑल द बेस्ट.